हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ फिफ्थ ग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट एवी वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर दैट इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होती हैं? रॉक्स किसको बोलते हैं? पत्थरों को। और मिनरल्स होते हैं जो जैसे केमिकल्स कंपाउंड्स की उनके मीन्स उनके प्रोसेस से जो बनता है उनको क्या बोलते हैं? जैसे आयरन हो गया, प्रोसेसिंग होती है तभी आयरन बनता है। लेट्स स्टार्ट। रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। दे आर प्रेजेंट ऑन द माउंटेन, अंडर द सॉयल एंड अंडर वाटर। मोस्ट रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स। सम रॉक्स सच एज लाइमस्टोन कंटेन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। देर आर डिफरेंट वेज इन विच रॉक्स आर फॉर्म्ड। अकॉर्डिंगली दे आर ग्रुप एज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। रॉक्स सारी जगह होते हैं अर्थ में, जो पत्थर होते हैं सारी जगह होते हैं ना। वो कहाँ पर होते हैं? माउंटेन पे भी होते हैं और मिट्टी के नीचे भी होते हैं, धरती के नीचे। और किस में होते हैं? अंडर वाटर, वाटर के नीचे भी रॉक्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के रॉक्स होते हैं? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। लेट अस स्टडी इन डिटेल काइंड्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स। इग्नीस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीट और फायर। इग्नीस क्या होता है? एक लैटिन वर्ड से नाम लिया गया है जिसका मतलब है हीट और फायर। अंडर द अर्थ क्रस्ट लाइज अ मेल्टेड रॉक कॉल्ड मैग्मा। दिस मैग्मा एग्जिस्ट इन अ मोल्टन स्टेट ड्यू टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बिटवीन 600 सेल्सियस एंड 1200 डिग्री सेल्सियस अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो मैग्मा क्या है? अंडर द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे मैग्मा लाई करता है जो एक मेल्टेड फॉर्म में होता है, मीन्स पिघला हुआ इस फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। हियर इज अ मैग्मा, ये मैग्मा है, ये मेल्टेड फॉर्म में है। ये एग्जिस्ट करता है एवरी टाइम इन मोल्टन स्टेट। और इसका टेम्परेचर क्या होता है? 600 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स एंड हार्डन। इग्नियस रॉक्स कब बनती है? जब वो एक हार्ड फॉर्म में हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। मेल्ट कब होएगा? जब वो गर्म होगा। और जितना कम टेम्परेचर उसका कम करेंगे उससे क्या हो जाएगा? वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगा और एक हार्ड फॉर्म में बन जाएगा। समटाइम्स द मैग्मा कूल्स इनसाइड द अर्थ। कई बार वो अर्थ के इन बिटवीन भी होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर से ही वो ठंडा हो जाता है। इन सम केसेस इट इरप्ट्स ऑन टू द सरफेस फ्रॉम द वोल्केनोस। इन दिस केस इट इज कॉल्ड लावा। इसको इसमें क्या बोल रहे हैं हम? इसको लावा। व्हेन द मैग्मा From under the earth's crust comes out during volcanic eruptions, some of it gets spread over the earth's surface. Slowly and gradually, it cools down and forms rock, granite, obsidian, basalt and pumic are the example of igneous rocks. कई बार क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है under the अर्थ, मीन्स उसके अर्थ में, उसी के अंदर से वो ठंडा हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो इरप्ट हो जाता है कहाँ पे? कहाँ से? फ्रॉम द लावा, लावा से वो इरप्ट हो जाता है उसके सरफेस पर। और फिर क्या होता है उसके बाद? जब वो जो मैग्मा है वो बाहर निकल के आता है, जो लावा है बाहर निकल के आता है, उससे क्या हो जाता है? वो पूरी अर्थ पे फैल जाता है, उसकी जो जो अपर लेयर है उसके ऊपर वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और उससे वो ठंडा हो जाता है वहीं पे। और फिर क्या होता है? उसी से रॉक बन जाती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट,
ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इग्नियस रॉक के. इग्नियस रॉक्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड हेयर. नेम ऑफ द इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी है. ये नेम है ग्रेनाइट. प्रॉपर्टी क्या है उसकी. इट इज़ वेरी हार्ड. हार्ड होती है वो. इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स लाइक वाइट, रेड, पेल ग्रीन एंड ब्लू. इसके कलर हैं ग्रेनाइट के कलर कौन कौन से हैं. वाइट, रेड, पेल ग्रीन एंड ब्लू. और ये हार्ड होती है. यूज़ क्या है इसका. इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल किचन काउंटर्स एंड फ्लोर. फर्श बनाने में आपने देखा होगा इस तरह का जो ग्रेनाइट होता है, पत्थर होता है, सबके किचन्स वगैरह में होता है, फ्लोर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं इसको. सेकेंड है ऑब्सीडियन. प्रॉपर्टी क्या है. इट इज़ स्मूथ एंड ग्लैसी. बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है ये, बिल्कुल प्लेन. जैसे कई बार आपने पानी के अंदर भी देखा होगा, बिल्कुल प्लेन प्लेन से पड़े होते हैं पत्थर, तो वो एक स्मूथ होते हैं. यूज़ क्या है. इट इज़ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी. एंशियंट पीपल यूज दिस स्टोन टू शार्पन पॉइंट्स एंड ब्लेड्स. पहले क्या करते थे लोग, इसे पॉइंट्स को शार्पन पॉइंट्स करते थे उसकी, उससे, और ब्लेड्स को, ब्लेड्स को भी मतलब शार्प करते थे. कोई पतली सी होती है जिससे हम मतलब जैसे घिस कर उससे उसको तेज कर सकते हैं. और अब क्या होता है, लोग यहाँ पे ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं. थर्ड है बेसाल्ट. इट इज़ डेंस एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स. इट फॉर्म्स अ लार्ज एरिया ऑफ सी बेड. ये बड़ा पत्थर होता है, लार्ज एरिया में इसको यूज़ करते हैं. जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं वैसे ये, पर इनको जैसे जैसे सड़क बनाने में सड़कें बनती है, छोटे छोटे पत्थर लगाने होते हैं उसमें, सारे छोटे छोटे बजरियाँ बोलते हैं जिनको, तो वो है बेसाल्ट. इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग मटीरियल. छोटी छोटी बजरियाँ होती हैं ना रोड पे, जब हम रोड बनवाते हैं या फिर हम अपनी बिल्डिंग्स में बनवाते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे से पत्थर होते हैं वो, तो वो क्या होते हैं, बेसाल्ट. प्यूमाइस क्या होता है. इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इनसाइड बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ पोर्स एंड इज लाइट इन वेट. ये पत्थर कौन सा होता है जिसका लाइट इन वेट होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसमें जिससे हवा क्रॉस हो जाती है, और बिल्कुल वेट भी इसका लाइट होता है. यूज़ क्या करते हैं. इट इज़ यूज इन मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग मटीरियल्स. इट इज़ यूज एज अ फुट स्क्रब. इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक एंड क्लीनिंग इंडस्ट्रीज. इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कोई बिल्डिंग का मटीरियल बनाना है कोई बिल्कुल लाइट वेट में. और आपने देखा होगा घर पे सभी के होते हैं फुट स्क्रब होते हैं, जिससे पैरों को साफ करते हैं हम, अपनी जो हील्स हैं वो उनको साफ करते हैं, तो वो किससे बनते हैं, इस वाले रॉक से. सेडिमेंट्री नेक्स्ट है. सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर टाइम. दीज सेडिमेंट्स कैन इंक्लूड मिनरल्स, सैंड, मड एंड पेबल्स. दीज रॉक्स अपीयर इन लेयर्स. The oldest rocks are present at the bottom with newer rocks above them. When the water flows down through a mountain slope, it breaks some of the rocks of the mountain that come on its way. Likewise, strong wind and heavy rainfall also cause breakages of rocks into smaller pieces. These small pieces of rocks and soil particles are carried away by flowing water or wind to some other places. This way, layers of sediments pile up at a particular place and get cemented over thousands of years, thus forming sedimentary rocks. Sandstones, shale, conglomerate and limestones are some of the examples of sedimentary rocks. तो sedimentary rocks कौन सी होती हैं, वो छोटे छोटे means टुकड़ों से बनती हैं. Deposition हो जाता है sediments का, उन rocks का, जो जो चट्टाने होती हैं उनमें से, जैसे जैसे पानी, जहाँ से पानी निकलता है, तो वो छोटे छोटे चट्टानों में से, छोटे छोटे कंकर से टूट टूट कर गिरते रहते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे पहाड़ियों से पानी गिरता है, तो जहाँ से पानी निकल रहा है तो वहाँ पे जो चट्टान है उस चट्टान के छोटे छोटे कंकर टूट जाते हैं, और वो सारे के सारे नीचे पानी में जमा हो जाते हैं.
जो पुराने पत्थर होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, जो न्यू होते हैं जो छोटे छोटे कंकर हैं वो ऊपर आ जाते हैं। समय के साथ साथ क्या होता है, जब टाइम ज़्यादा होता रहता है तो वो बिल्कुल छोटे पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में होते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है, वो सारा का सारा सीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी सालों बाद अगर जब वो पड़े ही हुए हैं पत्थर, उनको कोई उठा तो रहा नहीं है, तो उनका क्या होगा, वो थोड़े थोड़े टाइम बाद उनका सीमेंट बन जाता है। तो ऐसे ही ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। मोस्टली जब रेनफॉल होता है, मीन्स बारिश, बारिश के टाइम पे, ज़्यादा बारिश के टाइम पे वो पत्थर छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसके कौन से एग्जांपल हैं, सैंडस्टोन, शेल, ये पत्थरों के नाम हैं, लाइमस्टोन, ये सभी कौन से हैं, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स कवर अ मेजोरिटी, अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द अर्थ रॉक, रॉकी सरफेस। अर्थ का जो रॉकी सरफेस होता है उससे 75%, उसके 75% से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। हाउएवर इट ओनली मेक्स अप अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द रॉक्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एज कम्पेयर टू द मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक। जो अर्थ का रॉकी सरफेस होता है, जो रॉकी सरफेस होता है उसका 75% लेके सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा परसेंटेज लेके, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल कम परसेंटेज लेते हैं हम अर्थ के क्रस्ट का। और जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स होती हैं उनमें ज़्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट का पार्ट, और इसमें क्या है, कम। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लाइमस्टोन। इनकी प्रॉपर्टी देख लो, सैंडस्टोन की क्या प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए सॉफ्ट स्टोन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल दैट आर सीमेंटेड बाय मिनरल सच एज सिलिका। एक सॉफ्ट स्टोन होता है ये, और कैसे बनता है, बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल से बनता है, दैट आर सीमेंटेड बाय मिनरल्स, मिनरल से जो मतलब सीमेंटेड होते हैं, कवर होते हैं, जैसे सिलिका। यूज़ क्या है, इट वॉज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग मोनूमेंट सच एज द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार। किस में यूज़ होते हैं ये, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार बनाने के लिए इनका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, इट कंटेन्स राउंड पेबल्स, ग्रेवल एंड बोल्डर्स दैट आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स, इट कैन विदस्टैंड वेदरिंग। ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का वेदर है, उसके हिसाब से ये इनका लाइफ टाइम होता है। और ये क्या है, छोटे छोटे राउंड राउंड से इनके पेबल्स होते हैं इसमें लगे हुए, और ग्रेवल और बाउल्डर्स को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है मिनरल से, तब ये क्या होते हैं, तब ये कॉन्ग्लोमेरेट बनता है। इट इज़ यूज एज अ बिल्डिंग मटीरियल, बिल्डिंग का कोई भी मटीरियल है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शेल, इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले एंड मर्ड पार्टिकल्स पाइल्ड अप इन लेयर्स, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स। ये किससे बनता है, क्ले एंड मड से, मतलब मिट्टी से बनते हैं ये, मिट्टी एक चीकनी सी मिट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्ले, और मड के पार्टिकल से बनती हैं ये। मीन्स एक हैवी टाइप की रॉक होती है, जिसको मीन्स जैसे बोल देते हैं कि जिसका, जिसके ऊपर हम वेट डाल, चलो इसे समझ लेते हैं यूज से। इट इज़ यूज टू मेक टाइल रूफ्स, सीमेंट, ब्रिक्स एंड टेराकोटा पॉट्स। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हमारी छत बनती है वो कितनी थिक होती है, कितनी मोटी होती है, नॉर्मल हमारी वॉल से तो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है वो, उसमें हाई पावर की जो हमारे सीमेंट रॉक्स हैं वो यूज़ करते हैं। ब्रिक्स एंड टेराकोटा पॉट्स, जैसे पॉट भी बनाते हैं हमको, जैसे फ्लावर पॉट है, उनके लिए भी हमारा अलग से ही
रॉक होती है तो वो कौन सा होता है? शेल, लाइमस्टोन। इट इज़ अ फाइन एंड सॉफ्ट ग्रेन रॉक। इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड एनिमल्स शेल। चौक इज़ अ सॉफ्ट वाइट फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा एक क्रश जो होने वाला रॉक होता है, जैसे आप चौक लगा लो। चौक चौक क्या होता है? एक सॉफ्ट सा होता है, वाइट कलर का सॉफ्ट सॉफ्ट चौक होता है ना। किससे बनता है ये? कैल्शियम एंड एनिमल्स के शेल से बनता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइम, ब्रिक्स, ग्लास, सीमेंट एंड चॉक्स। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज पेपर एंड फाइबर ग्लास। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? इस ये किस जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक यूज़ करते हैं वो, एंड ग्लास के ऊपर, ग्लास होता है जो हमारे ग्लास, उसको बनाने के लिए कुछ होते हैं, मिट्टी के ग्लास बनाए जाते हैं। तो ये क्या था? सेडिमेंटरी रॉक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे। फ्रॉम द नेक्स्ट ए बी वी विल स्टार्ट मेटामॉर्फिक। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।